हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वो तपस्वी बनना चाहते हैं या फिर पुजारी। शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि ये जो यात्रा है वो बिना किसी संदेश के रही है और अगर देश हित में कोई आर्थिक सुझाव है तो वो उसे जरूर बताएं, जिस पर विचार किया जा सकता है। शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि राहुल गांधी ने इतनी लंबी यात्रा तो की लेकिन इस यात्रा में कोई संदेश नहीं छोड़ा है। तपस्वी क्या है, पुजारी क्या है, क्या तपस्वी बढ़ना चाहे क्या पुजारी बढ़ना चाहे। देखिए आर्थिक नीतियां हैं उनके ऊपर बोलोगे भाई आप ये गलत कर रहे हैं, कहीं हमारी कमी बताओगे भाई यहाँ आप गलत हैं या उसमें कुछ सुझाव दोगे अगर हम होते तो हम इसको ऐसे कर देते हैं। अब ये तपस्वी पुजारी अब किसकी समझ में है, आपकी समझ में आ रहा, आप मुझे समझा दो क्या कहना चाह रहे हो। तो क्या कन्फ्यूज व्यक्ति है बिल्कुल, कोई मतलब मैं नहीं समझता कि कोई इतनी लंबी यात्रा के बावजूद भी कोई मैसेज वो पूरे देश में छोड़ दे सके। सर उसने नहीं समझता कि कोई इस यात्रा का कोई बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जो भी यात्राएं निकलती हैं ना जी वो कोई एक विजन होता है जिस बात को लेकर निकलते हैं और इस यात्रा का कोई विजन नहीं है। अगर आप देख रहे कहीं भी कोई अभी तक कोई गंभीर बात अभी तक नहीं की गई, 50% टाइम तो इसी बात पर है कि टी शर्ट पहन के निकल रहे सर्दी में। अब सर्दी टी शर्ट ये तो कोई विषय नहीं है देश के लिए, तो कोई विषय नहीं है कि आप टी शर्ट में निकलते हो या बिना टी शर्ट के निकलते हो। तो अब इस प्रकार की हल्की बातें ज़्यादातर चल रही, कोई गंभीर बात नहीं है ऐसी इस प्रकार की जो वो कोई खामी सरकार की निकाल सके। और मैंने समझता कि सरकार की खामी है जितने इस टाइम में सरकार ने जिस प्रकार से प्रगति की, जिस प्रकार से देश को आगे लेके गई और कोरोना के बाद जहाँ पूरी दुनिया में जिस प्रकार के हालात पैदा है उस के बावजूद भी भारत ने जिस प्रकार से उसको संभाल लिया, चाहे वो महंगाई का मामला है चाहे बेरोजगारी का मामला है किसी का भी, जिस प्रकार से भारत ने संभाला आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही, बल्कि बहुत से देश ऐसे हैं जो अब भारत से कह रहे हैं कि हमारा मार्गदर्शन करोगे आपने आर्थिक स्थिति किस तरीके से ठीक रखी। तो मैं नहीं समझता कि आज के दौर में कोई प्रभाव पड़ने वाला है इस बात का, और कुछ तो वैसे ही पड़ने वाला है क्योंकि लोग खुश हैं सरकार से, सरकारी कारगुजारी से खुश हैं। और दूसरी बात यह है कि जो कहने वाले हैं उनके पास कहने में कुछ नहीं है, तो लगता नहीं है कुछ भी ठीक है। कार्यकर्ता थे उनके, वो वहाँ आए उन्होंने स्वागत किया, वो तो हर आदमी के अपने अपने समर्थक हैं उनको लेके आए पानीपत में आए उन्हें स्वागत किया वो बात अलग है, लेकिन कोई समाज पे कोई प्रभाव नहीं है। अगर आप आम आदमी से पूछो तो आम आदमी को ये भी नहीं पता कि यात्रा किस लिए है। सर हरियाणा आज के लिए यमुनानगर से राकेश की।